अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। आज हमने कंप्यूटर का पेज नंबर 15 और 16 की रीडिंग करनी है। चैप्टर का नेम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पेज नंबर 15 के टॉप पे देखें क्या राइट किया हुआ है। माइक्रोफोन MICRO माइक्रो PHONE फोन, माइक्रोफोन स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स, माइक्रोफोन और स्पीकर्स जो होते हैं व्हेन अटैच्ड टू द कंप्यूटर, अटैच होता है जुड़ना, जब कंप्यूटर के साथ जुड़े जाते हैं, फ्रॉम द साउंड सिस्टम, सिस्टम साउंड सिस्टम से, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साउंड सिस्टम से, ये जोड़े जाते हैं कंप्यूटर के साउंड सिस्टम से, माइक्रोफोन और स्पीकर। दे आर अ पार्ट ऑफ मल्टी मीडिया डिवाइस, ये मल्टी मीडिया डिवाइस के हिस्से हैं। ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मल्टी मीडिया डिवाइसेस के हिस्से हैं। मल्टी मीडिया, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स मैनी। कंप्यूटर सिस्टम अलाउज अस टू हेयर साउंड एंड वॉच मूवीज बिसाइड लेटिंग अस रीड टेक्स्ट ऑन द मोनिटर। ने कहा है कि जो ये मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर सिस्टम ये हमें इजाज़त देते हैं कि बहुत ज़्यादा साउंड सुन सकते हैं, मूवीज़ को देख सकते हैं, इसको साइड पे लगा के और टेक्स्ट रीड कर सकते हैं मॉनिटर पर। ये मल्टी का मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्क एक ही टाइम में कर सकते हैं, ऑल एट द सेम टाइम, ये तमाम काम वो एक ही वक्त में कर सकते हैं। माइक्रोफोन, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स, माइक्रोफोन जो हैं वो मुख्तलिफ जो है साउंड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये माइक्रोफोन बने हुए हैं। ये मल्टीमीडिया कंप्यूटर बना हुआ है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये स्पीकर्स हैं, ये हेडफोन है, और ये CPU है, ये माउस है, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इनके बारे में हमने पहले बात किया। माइक्रोफोन जो है वो साउंड्स को रिकॉर्ड करता है, आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों को। पेज नंबर 16 पे देखते हैं, पेज नंबर 16 पे क्या राइट किया हुआ है। पेज नंबर 16 पे राइट किया हुआ है स्पीकर्स, ये स्पीकर्स बने हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स दे आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड एज वेल एज द म्यूज़िक। ने कहा ये इस्तेमाल होते हैं रिकॉर्डेड साउंड को सुनने के लिए, जैसा कि म्यूज़िक। हेडफोन जो हेडफोन होते हैं, दे आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड, ये भी रिकॉर्डेड साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एज वेल एज म्यूज़िक, जैसा कि म्यूज़िक, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, दूसरों को तकलीफ दिए बगैर। ओनली द पर्सन हु इज़ वेयरिंग द हेडफोन, सिर्फ वो शख्स जो जिसने हेडफोन पहने होते हैं, कैन हेयर द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक को सुन सकता है, साउंड को सुन सकता है, और रिकॉर्डेड साउंड को सुन सकता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। टिल नाउ यू हैव लर्नड अबाउट अ नंबर ऑफ पार्ट्स, आपने बहुत ज़्यादा पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, एंड हेल्पिंग डिवाइसेस, हेल्पिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, आप इनको, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस डाटा को एंटर करने के लिए, दाखिल करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके नाम दिए गए हैं। आउटपुट डिवाइसेस देखें, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव आउटपुट, ये आउटपुट देते हैं। द आउटपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, आउटपुट वर्ड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, लेटर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, इमेजेस आर साउंड, ये साउंड की शक्ल में भी हो सकते हैं, और तस्वीरों की शक्ल में भी हो सकते हैं। द आउटपुट डिवाइसेस आर, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ऊपर हमें इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं। इस तरह हमारा ये रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है, पेज नंबर 15 और 16 की। इसके बाद हमने रिटर्न वर्क करना है, वो देखें। लेक्चर 8 डेट और डे मेंशन करने के बाद आपने चैप्टर का नेम, चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, आज हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट ए और बी अगेन करना है। आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मॉनिटर, CPU बॉक्स, कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव आउटपुट व्हिच मे बी टेक्स्ट इमेज एंड साउंड। नेक्स्ट देखिए, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में, और आउटपुट डिवाइसेस का भी वर्क बताया गया है। नेक्स्ट ये देखें, ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छी तरह याद भी करने हैं और राइट भी करने हैं, और इनकी याद और राइट करके इनकी पिक भी सेंड करनी है।